क्या कहना चाहेंगे, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन और मैरी क्रिसमस टू बोथ ऑफ यू. व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? I believe that Christmas is more about Christmas देने की चीज़ है, it's more about giving. Christmas के समय लोग एक साथ मिलते हैं, पार्टीज करते हैं, और also it's more about giving. तो मैंने आज सुबह जाकर अपने जो बच्चों को टीच करती हूँ यहाँ पे फुटपाथ में, उनको जाकर गिफ्ट्स दिए. क्रिसमस आज थी तो कस यू एस ए में तो हम ऐसे ही करते हैं, वी सेलिब्रेट विद फैमिली ऑन क्रिसमस ईव, एंड देन क्रिसमस डे में हम लोग फ्रेंड्स एंड सबसे मिलते हैं. तो इट्स बेसिकली अबाउट गिविंग, क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट कि नेक्स्ट साल अच्छा गुजरे. आई गेस दैट्स व्हाट आई बिलीव. बिल्कुल. और हम भी सेम बिलीव करते हैं कि पीस और लव का मैसेज है. पूरी दुनिया में क्रिसमस डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है. क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इससे ज़्यादा तो पीस और लव का मैसेज है. तो हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद जो इस सोसाइटी में जिनको ज़रूरत है, जो गरीब हैं या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उनको भी हम कुछ देते हैं जितना भी हमारे बस में है. तो यही है क्रिसमस का मीनिंग हमारे लिए. आज यहाँ पे गेट टुगेदर रखा गया है, तो टेल मी हु ऑल आर कमिंग एंड सो बेसिकली हमारा बस प्राइवेट गेट टुगेदर है. ऐसे हम लोग बेसिकली अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हैं जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, जो उनको हम जानते हैं समय से, बिकॉज वी लिव इन न्यूयॉर्क. तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, वी ट्राइंग इट आउट फॉर दिस ईयर, वन ईयर. तो बेसिकली जस्ट फ्रेंड्स, रैंडम फ्रेंड्स. आई डोंट थिंक कि यू नो हमने सोचा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे. वी वर जस्ट प्लानिंग की क्रिसमस पार्टी है, वी विल जस्ट हैव फन विद आवर फ्रेंड्स, और जितने लोग हम नहीं मिले, वी हैव नॉट बीन एबल टू कैच अप विद अ लॉट अ लॉट ऑफ पार्टीज गोइंग ऑन एक्चुअली आज रात. तो काफी लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं एक्चुअली. राइट. सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे मूव होने का, और मुंबई और न्यूयॉर्क में बहुत सिमिलरिटीज हैं. बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल एक दूसरे जैसे लगते हैं वहाँ पे फीलिंग जो है, और यहाँ पे रहने का फीलिंग, कि दूर दूर से लोग यहाँ मूव होते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए. न्यूयॉर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है. दूर से यूरोप से लोग आते हैं, साउथ अमेरिका से लोग आते हैं. यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सुनने को मिलती हैं. न्यूयॉर्क में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलती हैं हर जगह. तो हमने सोचा कि यहाँ पे मूव होंगे तो एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जिसमें मैसेज इतना अच्छा है, तो सारे फ्रेंड्स और फैमिली जो आएंगे उनसे और मुलाकात करके आगे फ्रेंडशिप बढ़ेगी. तो इसीलिए हमने रखी थी पार्टी. न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, सो एनी रेजोल्यूशन यू आर मेकिंग दिस ईयर, आई मीन फॉर न्यू ईयर? ओह सर्टेनली आई हैव रेजोल्यूशंस, मेनली फॉर माय हेल्थ. मेरा करियर तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, थैंक गॉड. तो और फैमिली में भी सब खुश हैं. तो अब मेरा जो करियर का है, फैमिली का सब सेट है. तो अब मैंने अब सोचा है कि अपनी बॉडी पे काम करना है, बिकम स्ट्रॉन्गर. दैट्स माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन. आई डोंट कीप रेजोल्यूशंस. मैं बिलीव करती हूँ कि जिंदगी का पता नहीं होता, फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता. सो आई बिलीव इन लिविंग फॉर टुडे. तो मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाती हूँ, ये होप करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाए, और मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में. सो बस मेरा यही होप है कि और मैं लोगों को और प्यार दे पाऊँ और कुछ कर पाऊँ इस दुनिया में टू मेक अ डिफरेंस. तो इसलिए मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक्चुअली नहीं रखती हूँ. मैं सोचती हूँ कि हर दिन एक दिन होता है, शायद हम कर रहे हैं ना रहे, तो आज जियो जैसे जीना है. सो इंडिया में तो अभी कुछ नहीं किया, अभी तो आकर सेटल ही किया, 3 महीने ही हुए मुश्किल से. तो मैं अपने डॉग्स को भी लेकर आई हूँ इस बार. मगर मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैं कर रही थी, वो अभी एडिटिंग प्रोसेस में है. अभी एक थोड़ी छोटी सी और शॉर्ट फिल्म शूट की थी जब मैं यहाँ पे थी, वेरी स्मॉल, वेरी मोस्ट ऑफ माइन आर एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी शुरुआत कर रही हूँ. अभी मैंने कोई ऑडिशन वगैरह नहीं किए यहाँ पर इंडिया में आकर, बट दिस इज़ अ ट्रायल, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ एक फिल्म, रिलीज़ कर चुकी हूँ, और मेरा आइडिया इस पर अब एक्टिंग का ही है, फोकस ज़्यादा एक्टिंग करने के लिए. आई डू सिंग, एक म्यूजिक वीडियो बनाना है, तो दैट्स माई फ्यूचर गोल नेक्स्ट ईयर के लिए. और देखते हैं क्या होता है, आई डोंट नो. इंडिया का लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो डूइंग व्हाटएवर, जो भी मिलता है होपफुली. सो व्हाट अबाउट यू, एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर विद अस? यू यू विल बी प्रोड्यूसिंग द फिल्म, और यू आल्सो प्लानिंग टू एक्ट? सो फार आई हैव बीन रियली जस्ट सपोर्टिंग हर एज हर हस्बैंड. माय रोल हैज जस्ट बीन दैट. सो आई एम ओपन टू मेनी पॉसिबिलिटीज. मैं प्रोड्यूसिंग, श्योर आई वेलकम आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग. अगर एक्टिंग में कुछ है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड. अगर राइटिंग में कुछ है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट टू. आई हैव रेड मैनी बुक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. आई लाइक रीडिंग लिटरेचर एंड नॉन फिक्शन.
और ये एक्चुअली हमारी हर एक फिल्म में इन्हें छोटा छोटा पार्ट किया है हमेशा. एक्चुअली हर एक फिल्म में, तो हमारी एक फिल्म में जो ज़्यादा ज़्यादा देरी नीड विमियो के बाहर बिकॉज वी लॉस्ट ऑल द फुटेज, उसमें इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की थी एक्चुअली. सो मेरे जो अभी जो मुझे कॉलीग्स मिले हैं यहाँ पर जो हम लोग बना रहे हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि वो रीशूट करेंगे वो फिल्म को और इन्हीं को एक्ट करवाएंगे उसमें. सो मेनी ऑफ हर फ्रेंड्स, हर फील्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये जो फिल्म टीवी और लिखने का जो फील्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है. तो इसमें जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आई एम वेरी ओपन टू इट, वेरी वेलकम इट. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन आई विल आस्क द क्वेश्चन. नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है, ज्योति सिंह. एंड मैंने 2 साल पहले यहाँ पे फिल्म रिलीज की थी यादवी द रिंग फाइव प्रिंसेस. मैं एक्टर हूँ, न्यूयॉर्क सिटी से हूँ और काफ़ी वहाँ पे किया है. 10 साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ. फाइनली आई डिड प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट एंड रिलीज माई फिल्म एंड आई एम ऑल्सो सिंग. सो बस ये मीडिया में काफ़ी समय से आई हैव बीन हियर. सो आज क्रिसमस है, क्या प्लान है, कैसे? सो बेसिकली हमारे एक फ्रेंड यूएसए से आया था, सो हम 3 महीने से यहाँ पर हैं. आई एम ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू इंडिया. सोच रही कि एक साल फिर ट्राई करूँगी हाउ इंडिया विल बी. मैं काफ़ी समय से बचपन में चली गई थी यूएसए, सो आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माय लाइफ इन यूएसए. तो इस बार मैं अपने डॉग्स को, मेरे 2 डॉग्स हैं, लेकर हम सब पूरी फैमिली यहाँ पे आई है एंड वी ट्राइंग इट आउट. तो मैंने सोचा कि क्रिसमस में जब मेरे बॉयफ्रेंड अमेरिका से आए हैं तो क्रिसमस इतनी अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि इन द यूएस हम लोग उस समय स्नो गिरती है. ऑफकोर्स यहाँ तो कोई स्नो नहीं है, यहाँ तो बहुत गर्मी है आजकल, मगर स्नो गिरती है और हम लोग हैप्पी हॉलीडेज़ कहते हैं, हम लोग मेरी क्रिसमस नहीं कहते क्योंकि काफ़ी लोग हानिका में बिलीव करते हैं वहाँ पर यूएसए में जो ज्यूइश लोग होते हैं. सो इसलिए हम लोग उसको हमेशा क्रिसमस को हम लोग मेरी क्रिसमस नहीं कहते. यूजली जब हम लोग अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं कहते हैं हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज, क्योंकि इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो ये कि हम लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं. सो इसलिए मैं यूजली जब क्रिसमस, मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे फ्रेंड क्रिश्चियन हैं, बट आई बिलीव इन एवरी रिलीजन कि हम सब एक हैं. सो जो भी रिलीजन आपको जिसमें खुशी देता है, अगर ईद है तो उसमें मेहंदी लगा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सो इसलिए इस कॉन्सेप्ट से मैंने कहा कि चलो बच्चों को कुछ दे दो. तो आज मैंने अपने बच्चों को जिनको पढ़ाती हूँ उनको जाकर मैंने आज क्रिसमस कैप्स दी, सांता हैट्स. तो आई थिंक इस इज क्रिएटिंग हैप्पीनेस कि नया साल अच्छे उससे शुरू होए, अच्छे माहौल से शुरू होए, अच्छे फीलिंग से शुरू होए. और जिन लोगों को मैं यहाँ मिली नहीं हूँ इस समय इंडिया आकर, उन सबसे आज मिलने का शौक था. तो मैंने कहा चलो सबको एक साथ ही बुला लेते हैं आज, तो इसलिए आज क्रिसमस पार्टी का सोचा हमने. ऑल्सो आपने पार्टी तो रख दी है, गेट टुगेदर भी हो रहा है, सो एनी प्लान्स टू मूव इन टू इंडिया? नहीं, वही थे ना, एक साथ तो ट्राई कर रहे हैं. अभी ट्राई करना होगा, इतने सारे साल हम यूएसए में रह चुके हैं. right. तो यहाँ पर तो देखना पड़ेगा कि सो फार इज गुड, क्योंकि बॉम्बे एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. जो लाइफस्टाइल है, जो इस तरह से माहौल है, वो बिल्कुल सेम है एक्चुअली कंपेयर टू, थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज विंटर्स वहाँ पे होते हैं, यहाँ पे विंटर्स बिल्कुल नहीं होते, उससे तो अच्छा है. बट यस, आई एम ट्राइंग इट आउट दिस ईयर, तो देखते क्या होता है साल. सो एनी ऑफर्स यू आर गेटिंग फ्रॉम बॉलीवुड, एनीथिंग लाइक? अभी मैंने बिल्कुल ऑडिशन नहीं किया, आई हैव डन नथिंग. अभी 3 महीने हुए, जब पहले इंसान मूव होता है तो पहले 3 महीने तो सेटल में रखते हैं, सेटल होने में लगते हैं, फिर उसके बाद बीमारियाँ होती हैं. आई गॉट सिक 2 बार तो बीमार हो चुकी हूँ यहाँ पे, फ्लूज, वायरसेस, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, सबको ही हो रहा है. तो नहीं, अभी मैंने ऑडिशन वगैरह नहीं किया. मैं अपनी फिल्म को लेकर अभी एडिट कर रही हूँ. मेरी फिल्म है जो मैं ला रही हूँ, शॉर्ट फिल्म है, वो है ही टू. तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बनी है, जैसे कि हम लोग कहते हैं मी टू मी टू मी टू, आई थिंक दूसरा कॉन्सेप्ट है हिम टू, मगर मैं सोचा ही टू बनाती हूँ क्योंकि उसमें ये है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती हूँ. ऑफकोर्स बिल्कुल बेसिक फिल्म है, सिंपल फिल्म है. मैं चाहती हूँ कि हम दूसरी साइड से भी दिखाएं कि हाउ व्हाट मेन गो थ्रू जब हम लोग मी टू करते रहते हैं. सो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट आइडिया लिया है और इसलिए मैंने फिल्म बनाई है. सो लेट्स सी बाय नेक्स्ट ईयर, बाय जनवरी फरवरी विल रिलीज इट. सो not release it but in my maybe in film festivals and stuff like that. So dekhte hain aap logo ko pasand kaisa aati hai. Okay ma'am, thank you so much. Okay, thank you. Namaste. First of all, introduce yourself and what you do and how you came to India and all. Okay, my name is Sarika Kansara and I'm from New Jersey, USA. Aur main yahan pe aayi hu like playback singing ke liye. And I'm working with one of like very good director. So I'm very excited and it's my first song. So and mera dream tha mujhe ki ye karna hai aur I'm very lucky ki mujhe koi acche music director ke sath gana mila hai. To aur very known singer right unke sath. To ye dream pursue karne ka kaise socha aapne aur
have you collaborated with the music directors? You can share something about that. एक्चुअली मैंने बचपन से क्लासिकल सीखा है, तो वैसे मेरी आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग जैसी है, तो मुझे लगा कि और सीखी हुई हूँ क्लासिकल, चलो मैं कुछ करना चाहिए. मगर मैं 96 में मैं US चली गई, उसके बाद कुछ कर नहीं पाई. तो अभी मुझे जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, तो उनको लगा कि इसमें कुछ पोटेंशियल है, तो बोले चलो आप आओ इंडिया, ट्राई करेंगे. तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गई, अभी देखते क्या होता है आगे. राइट, लास्टली कोई एक्टर है जिसको जिसके मतलब आवाज़ को प्लेबैक करने का मतलब ऐसा कोई ड्रीम हो आपको? वैसे तो मेरी आवाज़ कोई भी एक्ट्रेस को सूट होगी ऐसी है मुझे लगता है. तो अभी पहला गाना बनेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन से एक्ट्रेस को सूट हो रही है. तो आई कैन टेल यू राइट नाउ. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. I'm Eric Deaton from the United States. Yeah. So tell us about today's celebration and how was your gathering and. Okay, so the party's been great. I'm a friend of Sumit and Jyoti's from America. Sumit and I went to high school. And so we've been friends since we were 15 years old. And I'm here visiting them for several weeks. And it's been a great party here tonight. Nice gathering of people. Right. So New Year is around the corner. Any resolution you're making this year? I haven't thought about it yet. I guess I need to hurry up and start thinking, huh? Yeah, we'll see what comes up. So any of your upcoming projects you would like to share with us? Project? Oh, you say? I guess the next thing is just getting back to, I teach at a music school back home, so I guess the next project you could say that I've got coming up is that the school start back up in January. So, yeah, we're on our break now, so that allowed me to come here since we had a break. Yeah. So, any plans to collaborate with Bollywood music directors? I mean, you know, hey, that would be great. I can't, no plans yet, but we'll see what happens, right? any director you know or you name them or you want to work in future? I'm ashamed to say I'm not so familiar with who the directors are in Bollywood. I'm kind of, as I tend to know more about like Indian classical music. Sumit and I went to a concert of Aman Ali Bangesh, I believe is his last name, Aman Ali Bangesh. Bangesh, there you go. Yeah. The Sarod player. Yeah. And that was really great. Had a great time at that. Okay, sir. Thank you so All right, much. Sure thing. Thank you. Yeah. Hi, I'm Deeksha. And I'm a singer. He's Yajat, my son. And he also is a singer. Yeah, tell me then. Okay, so aaj ki gathering ke bare mein bataiye ki kis tarah ka celebration ho raha hai aur kya kuch hone wala hai aur kitne excited hai aaj ke din ke liye especially. Hum log bahut excited hain. Jyoti hamesha she is always keen, you know, on meeting people. Bulate hain logon ko, bahut pyar se invite karte hain aur unhone Christmas ke eve par ye celebration rakha hai aur बहुत मज़ा आने वाला है. हम लोग अभी जाम सेशन रखेंगे, गाना गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे और नए साल की शुरुआत करेंगे. रजत, आप बताइए आप कैसे सेलिब्रेशन करने वाले हैं आज का दिन? यजत, उनका नाम है यजत. यजत, ओके. यजत, आप बताइए कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आज का दिन आप? खेलेगा. गाना गाओगे? हिल सिंग. या हिल सिंग बहुत टैलेंटेड है, इनके बारे में सुना हमने. मैम, आपसे जानना चाहूँगा कैसे मतलब क्या कुछ करता है ये घर में, थोड़ा सा इस बारे में बताइए और क्या प्रोजेक्ट्स कर चुका है ये? जी, यजत का इंटरेस्ट शुरू से ही है म्यूज़िक में और क्योंकि घर में पूरा वक्त म्यूज़िक चलता है. मैं भी गाती हूँ, क्लासेस भी मैं देती हूँ म्यूज़िक के, सिंगिंग क्लासेस. मेरे हस्बैंड हैं वो कंपोज़र हैं, उन्होंने साई बीवी और गैंगस्टर उनकी पहली मूवी थी, बॉलीवुड मूवी, उस पर म्यूज़िक कंपोज किया था. रेखा भारद्वाज जी ने वो गाया था और अभी वो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो डिस्क्लोज हो जाएंगे. यजत शुरू से सुनता आया है म्यूज़िक, तो उसको बहुत इंटरेस्ट हमेशा रहा और बहुत ही अच्छा गाता है, बहुत सॉफ्ट सिंगिंग है उसकी. और उन्होंने अभी रिसेंटली मदर्स डे पे
12th मई को रिलीज हुआ था, अमिताभ बच्चन जी के साथ में डुएट गाया था, उसमें यजत ने गाया है और बच्चन साहब ने गाया है, और ये डायरेक्ट किया था सुरजीत सरकार, जो म्यूजिक फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने ये वीडियो डायरेक्ट किया था। ये मदर्स, वो मदर्स को डेडिकेटेड था जो नहीं है, बट था वैसे सभी मदर्स के लिए, बट स्पेशली उनके लिए ये डायरेक्ट किया गया था। सो दैट वॉज द फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट यजत डिड, एंड आफ्टर दैट इन्होंने इनको और एड फिल्म गाने का भी मौका मिला, फिर इन्होंने टाटा पावर के लिए भी एक जिंगल गाया, उसके बाद में इन्होंने क्लिंटन जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं उनके साथ में अभी एक बाउली मून फिल्म्स का एक एड फिल्म किया है जो अभी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। यजत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बच्चन साहब? आई वाज फीलिंग हैप्पी दैट। सो खेलते थे आपके साथ? अगर दो लाइनें आपकी आवाज में हो जाए वो गाने की सुनो। माँ गाना इन्होंने गाया है तो उसकी दो लाइन सुनाएंगे। मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ। ओके मैम, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है यजत का? हम लोग बहुत होपफुल हैं कि अभी और एड फिल्म्स इनको गाने के लिए मिलेंगे, और अदरवाइज़ भी ये स्कूल में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग में, और सत्संग में भी, आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग होते हैं उसमें भी यजत गाते हैं। सो अभी हम सीखने पे भी थोड़ा ज़ोर है, तो होपफुली नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा यजत के काफ़ी सारे एड फिल्म्स और आएंगे, और मे बी फिल्म में भी गाने का मौका मिला तो ज़रूर गाएंगे। Right. और कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे सर भी कंपोजर है, आप सिंगर है जी, तो यजत के लिए क्या सही है क्या क्या सही नहीं है, वो कैसे डिसाइड करते हैं आप? मैं सर से भी पूछूंगा लेकिन हाँ। आप अगर इस बारे में बताएं। अभी बहुत ही छोटे हैं यजत, तो अपने लिए कुछ डिसीजंस ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका रुझान कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ रहता है। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है उसको, पढ़ने में भी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम थोड़ा फोर्सफुली भी म्यूज़िक कराते हैं, कई बार नहीं भी मन होता है तो भी उनको बिठा के कराते हैं, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड वॉट वैल्यू इट हैज़, मे बी लेटर ऑन ही विल रियलाइज दैट। और गिटार भी ये बजाना सीख रहे हैं, अनु जी इनको सिखा रहे हैं गिटार भी, बहुत अच्छा पिकअप है उनके, कुछ उनको वेस्टर्न म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट है तो सुनते हैं, कुछ गाना टाइम मिलता है तो गाने लगा के सुनते हैं बहुत इंटरेस्ट से, और यही सब है। बाकी तो जैसे जैसे बड़े होंगे तो जो भी उनका इंटरेस्ट रहेगा उस तरफ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बढ़ावा दें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो फेस्टिवल है कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं आपके, थोड़ा सा बताइए सर इस बारे में। ये लोग तो बहुत फैमिली जैसे हैं, ज्योति और सुमित, और हमेशा वेलकमिंग होते हैं पार्टी करने के लिए, और सुमित का बेस्ट फ्रेंड यजत है मेरा बेटा, तो सुमित का मतलब होता है कि बस यजत को कब मिलना है, बस इंजॉय करेंगे यार, थोड़ा मस्ती करेंगे, गाएंगे बजाएंगे और गाड़ी चला के जाएंगे, क्योंकि दारू नहीं पी सकते तो गाड़ी लेके आए हैं। राइट सर, अगर आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें, क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा सर उस बारे में बताइए। अभी कुछ फिल्म है, एक एनिमेशन फिल्म है उसका नाम है द लाइट, वो सुरजीत सरकार ही डायरेक्ट कर रहे हैं, वो ब्रह्म कुमारी इसके ऊपर है, उनके ऊपर फिल्म है, उसमें कुछ गाने किए हैं, और उनके साथ शायद कुछ और प्रोजेक्ट होंगे जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता हूँ, बट जल्दी ही कर पाएंगे, जनवरी तक हम लोग उसके बारे में शोर मचा सकते हैं अच्छे से। शायद आप लोग ही शोर मचाएंगे उसके बारे में, बड़ा प्रोजेक्ट है। सर, इसके अलावा न्यू ईयर आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाए आपने इस साल के, मतलब नए साल के लिए? मेरा दिल है कि बहुत अच्छा म्यूजिक करें यार, ऐसा म्यूजिक करें जिसमें शब्द की बहुत अच्छी वैल्यू हो, मतलब जिसमें मीनिंगफुल वर्ड्स हों, कुछ कुछ ऐसा कोई ऐसा गाना बने जिसमें लिरिकली बहुत स्ट्रांग हो, मतलब बजाय इसके मेरी दिल की तमन्ना ऐसी कुछ डिंची डिंची हो जाए, कुछ डेप्थ वाली बात हो तो मज़ा आएगा। राइट सर, इसके अलावा बहुत सारे रिक्रिएशन आ रहे हैं, कोई प्लान है ओरिजिनल सॉन्ग के साथ आने का, और सिंगल्स का जो है दौर चल रहा है, तो ऐसा कुछ प्लान है अगर कुछ शेयर करना? लोगों ने अपना एक सिंगल शूट किया है अभी केरला में जाके, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको सब सुन के, तो और भी हैं जो एक कुछ गाना है मेरा जो मैं मिस्टर बच्चन के साथ ही शूट करना चाहता हूँ, जो यजत ने गाया था वो मेरा म्यूज़िक था, तो मेरा एक गाना है जो मैं मिस्टर बच्चन के साथ शूट करना चाहता हूँ, शायद वो सुरजीत सरकार डायरेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में जल्दी बात करेंगे हम लोग। और गाने सब जो भी मेरे पास गाने हैं वो सब वो लिरिकली बहुत स्ट्रांग है, उनके
शब्द में बहुत दम है। सर लास्टली जैसे मैंने मैम से पूछा था कि यजत बहुत ही अच्छा करा है करियर में, कैसे आप मतलब डिसाइड करते हैं कि ये गाना सही है यजत के लिए और ये नहीं सही है? मुझे लगता है अभी तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं कि क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कमर्शियली बॉलीवुड में खासकर अभी आइटम सॉन्ग भी अगर कभी ऐसा ज़रूरत है कि उसको कुछ दो लाइन गाने हैं तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको गाने के लिए। बट हाँ कुछ ऐसा चीप भी नहीं गाना चाहेंगे डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एडरिन के बारे में बताइए, क्रिसमस सेलिब्रेशन होने वाले हैं, कितने एक्साइटेड हैं एंड किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं सर एंड ज्योति मैम के साथ? सो हाई एवरीवन, दिस इज़ कुमार शर्मा और आज की क्रिसमस पार्टी में आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस और ज्योति जी से आंसर से यू नो आई मेट आई थिंक अ ईयर बैक उनके वी मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड एंड देन आई गॉट टू नो शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ प्रोड्यूसर एंड then I think we shared a few musical mahfils together because as she's also learning music. So that's how we met and then I went to screening of her movie. So that was really amazing experience. Her movie is so amazing. If you have not watched it yet, aap please dekhiye. और आज की पार्टी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली आई डिडंट नो मच अबाउट क्रिसमस एंड आई गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट क्रिसमस टुडे, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। सो एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट और पास्ट वर्क? सो या रिसेंटली आई वाज कोरियोग्राफिंग फॉर अ स्मॉल पीस फॉर हाउसफुल 4 which is recently released, so I was assisting Farah Khan ma'am for that. So I'm a choreographer, I'm a singer, I have my own crew called Kathak Rockers and day after we are leaving for a show in Bangkok, so we are performing for Reliance there and yeah. So any upcoming films or something? So I don't have any upcoming film right now because I'm working for my own project, so my crew called Kathak Rockers is there and we have couple of shows coming up, so I travel a lot for my shows, so I'm more into live shows than the movies. Recently I did this Super Dancers Chapter 3 as a mentor, so my kid was Dhairya Tandon from Ludhiana and we went till semi-finals of that show Super Dancers Chapter 3 on Sony TV. So I think I'll get to work on a new show also. It's same Sony TV only, but I can't disclose it right now because it's not finalized yet. So yeah, I hope you'll all see me there in that show. Okay, thank you so much and all thank the best. Thank you so much. Thank you.